महाराज और किसान की कहानी, पंचतंत्र कहानी। एक बार एक आदमी ने एक किसान को अपना पानी का कुआं बेचा। अगले दिन जब किसान उस कुएं से पानी लेने के लिए गया तो उस आदमी ने किसान को पानी लेने नहीं दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। किसान बहुत दुखी हुआ और राजा के दरबार में आया। उसने राजा को सब कुछ बताया और विचार मांगा। राजा ने उस आदमी को बुलाया जिसने किसान को कुआं बेचा था। राजा ने पूछा, तुम किसान को कुएं का पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते, जबकि किसान ने उस कुएं को खरीदा है। उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैंने किसान को कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन देखो, तुमने इस किसान को कुआं बेचा है और तुम दावा करते हो कि उस कुएं में पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आप किसान को उसके कुएं में तुम्हारा पानी रखने के लिए किराया दो, या फिर उस कुएं से तुरंत तुम्हारा सारा पानी तुम निकाल लो। वह आदमी समझ गया कि उसकी चाल विफल हो गई है। महाराज ने उसे पकड़ लिया। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।